राजा नो खतरे बारा के मग फरून राजी खेम तथे लिव मग ते दिव विक्षिन टिके हो लगा वाली अवधाय रहते हुए लिचे नो ताश ले बा खतरे पर ज़्यादा किधर कबूल की नो कदी की नुकसान है तो सऊदी खुदे मुसलमान मल्क दे मागा बोले लेल तब ज़्यादा की इस्तेमाल हो वाली पश्तून कम्युनिटी में एक सिनेरियो ये डेवलप होता है कि जी फाटा और केपीके और जो शुमाली इलाका जात हैं शुमाली वजीरस्तान वगैरह वहाँ पे हम पे बम गिराए जाते हैं और यहाँ आके हमें खतरे पिलाए जाते हैं कि जी हमारे बच्चे जो बीमारी से महफूज हो सकें। तो ये मुतजाद पॉलिसीज दो जगह पे कैसी हैं, तो उसका हम उनको कन्वर्सेट करते हैं कि भाई वो अगर कोई बम गिराता है तो उसका ताल्लुक महकमे सेहत से नहीं हो सकता, ना ही महकमे सेहत वाले कहीं मैदान जंग में जाके लड़ाइयाँ लड़ते हैं, ना वो किसी फ़ौज का हिस्सा हैं। हम एक अलहदा प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, वो लोग किसी अलहदा प्रोग्राम पे काम कर रहे होंगे, उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम एक बीमारी के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं जो हमारे बच्चों को तहयात मज़ूर कर सकती है। पोलियो खतरों के जमंगदारे व चमक के मंग तदा मालूम हुआ कि चमंग सदा अंग्रेजा से धोखा कही जका जिदम ना खर्चा पर मंग कही अब खेदेश मासूमान जाए कि अबल से नगानी चुन नमंग तफत होल गए तो पाकिस्तान आबादी चिदवार द्वार जैती कि वजह नमंग तंदा फतहल गए कदे से कौल है चिदाज मंग मासूमान लेदा खतरे और कौल है राखे से कौल है देना पर आबादी न जैते थे। मज़हबी जो हमारे रिफ्यूज़ल हैं वो ज़्यादातर अब इस बात पे कन्विंस हो जाते हैं कि जब हम उनको कहते हैं कि भाई अब तो हमें सऊदी अरब में भी पोलियो ड्रॉप या पोलियो वैक्सीनेशन के बगैर एंट्रेंस की इजाज़त नहीं मिलती। तो मरज दफा दवा कुरान साबित है, अल्लाह पाक कुरान की निकली थी चाहे सड़े ना जोड़े दागत पर दवाई कौन जायज़ दी और जो पुख्तानों और उन दरख्वास्त को मैं चिदा दखपल वड़ो था दाद खतरी पिला के तो मरज नहीं उसे पीली टीमों सा कोमक पुकी।